Assalamu alaikum students, the topic or the figure that we are going to discuss right now that is cube. ठीक है, 3D shapes है हमारे पास. Topic is volume and surface area. Volume and surface area आपके पास, ठीक है, and the figure that we are going to discuss that is cube, and फिर हम cuboid को भी discuss कर लेंगे. अच्छा, विच टाइप ऑफ द फिगर इज कॉल्ड क्यूब? अ फिगर लाइक दिस लेंथ एंड ब्रेथ इज सिमिलर एंड द हाइट इज ऑल्सो सिमिलर. अ फिगर लेंथ एंड ब्रेथ भी सिमिलर है इसके अंदर और हाइट भी सिमिलर है. कैसे होती है आपके पास 3D फिगर? ठीक है, ये देख, ये आपके पास होगी 3D फिगर है. ठीक है, इसमें आपके पास क्या होता है, ऑल द डायमेंशंस आर सिमिलर. सारी डायमेंशन इसकी सिमिलर होती हैं. जैसे हम कहें, अगर हम कह रहे हैं दिस इज़ लेंथ, ठीक है, इस वाले को कह रहे हैं हम लेंथ, तो अगर हम इसको क्या कह लें, हाइट कह लें, और इसको हम कह रहे हैं ब्रेथ. तो अगर आपको एक पॉइंट ले लें, ठीक है, वी आर टेकिंग एनी वन पॉइंट, तो फ्रॉम दैट वन पॉइंट यू कैन सी के 3D आपके पास आ रही है. ये देखें, ये वाला पॉइंट हमने लिया, तो फ्रॉम दैट पॉइंट यू कैन सी वी आर हैविंग 3D. ये देखें, ठीक है. अगर सपोज करें कि आप कहें नहीं, हम ये वाला पॉइंट नहीं ले रहे, हम कोई भी और पॉइंट लेंगे, तो क्या वहाँ से भी ऐसी 3D आएंगी? बिल्कुल आएंगी, देख लेते हैं उसको. चलेंगे ये वाला पॉइंट लेके चेक कर लेते हैं. ना यू कैन सी वन ऑफ द डायमेंशन इज दिस, द अदर वन इज दिस, एंड देन आप देख रहे हैं यहाँ से आपके पास की 3D कहाँ आ रही है. ये अगर आप ये वाला पॉइंट लें, तो दिस वन एंड दिस वन 3D. यहाँ से देखें, दिस वन एंड दिस वन. यहाँ से भी देखें, तो नाउ यू हैव दिस दिस एंड दिस. आप कहीं भी कोई भी एक पॉइंट इसका ले लें, इसका वर्टेक्स ले लें, जहाँ पे ये इसकी कॉम्बिनेशन पॉइंट है, दिस वन यहाँ पे ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ पे ये वाला हो गया आपके पास, ये हो गया और ये, ठीक है. तो आप कहीं से भी देख लें, तो यू विल गेट 3 लाइंस. उस पॉइंट से आपको 3 लाइंस निकलती हुई नजर आएंगी. तो किसी भी एक लाइन को लेंथ कह लें, एक को ब्रेथ कह लें, और एक को आप क्या कह लें, हाइट कह लें. तो फॉर क्यूब हमारे पास वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट. और बेसिकली इसमें क्या होता है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट क्या होती हैं, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर सिमिलर. ये सब क्या होती है, सिमिलर होती हैं, सबकी लेंथ सिमिलर होती है. लाइक अगर लेंथ आपके पास 5 है, तो ब्रेथ भी 5 होगी और हाइट भी 5 होगी. तो आप इसको फाइनली कैसे लिखते हैं, ये होती है आपके पास लेंथ. हम कह लेते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ. ये हो जाती है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू एल क्यूब. यह आपका इसका जनरल फार्मूला हो जाता है, ठीक है. अगर आप इसी के सरफेस एरिया की बात करें, ठीक है, हम इसी के सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं. ये हमने वॉल्यूम की बात की थी, ठीक है. अब हम इसके सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं. तो सरफेस एरिया क्या होता है, दैट हाउ मेनी सरफेसेस इट हैज, कितनी सरफेसेस हैं इसके अंदर, कितने फेसेस हैं बेसिकली. सरफेस एरिया, अच्छा इसके लिए जो है ना, हम ऐसा करते हैं कि एक कोई बुक ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो बुक आपके पास है, ये जो बुक आपके पास है, ये क्या है, इसकी सारी डायमेंशन हम सपोज़ कर लेते हैं कि ये वाली लेंथ और इसकी जो हाइट है वो क्या आपके पास इक्वल है. तो सिर्फ हम ये देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पर इसके फेसेस कितने हैं. वन आपके पास फेस ये है, ठीक है, इसको एक फेस कह लीजिए, ऐसे कह लें. अगर ये फेस नंबर 1 है, तो इसके बैक साइड पे इसके कितना फेस होगा, इसको 2 कह लें,
ठीक है, फिर एक फेस ये होगा, इसको 3 कह लें, इसको 4 कह लें, इसको इस वाले साइड को 5 कह लें, और इसको आप क्या कह लें, 6। तो टोटल फेसेस अगर इसको हमने क्यूबॉइड कंसीडर किया हुआ है तो इसके टोटल फेसेस आपके पास कितने आ रहे हैं, 6 फेसेस आ रहे हैं। उसको हम यहाँ से भी देख लेते हैं, इस फिगर में से भी देख लेते हैं कि इसकी कैसे आपके पास 6 फेसेस आ रहे हैं। एक फेस आपके पास ये वाला है फ्रंट वाला, एक इसके बाद बैक साइड वाला होगा, तो 1 और 2 हो गए। फिर एक आपके पास ये वाला है और एक ये वाला है, 3 और 4 हो गए। देन एक अपसाइड है और एक आपके पास इसका ये बेस वाला है, तो ये आपके पास क्या हो गए, 5 और 6 हो गए। तो आपने यहाँ पे देख लिया क्यूबॉइड हैज़ हाउ मेनी फेसेस, इट हैज़ 6 फेसेस। अब ईच फेस इज स्क्वायर, हर जो इसका फेस है ना वो क्या आपके पास स्क्वायर है। तो स्क्वायर को छोटा सा ड्रॉ करते हैं। सरफेस एरिया बेसिकली होता क्या है, जो जितने इसके सरफेसेस होते हैं ना, जितने भी आपके पास 3D शेप के सर फेसेस होंगे, उनका आप क्या करेंगे, उनको आप ऐड कर लेंगे उनके एरियाज़ को, और वो क्या होता है उसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कहलाता है। तो अगर ये आपके पास L है, ये भी क्या है L, क्योंकि डायमेंशन सिमिलर, सपोज़ करें ये 4 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा, 4 सेंटीमीटर क्यों होगा, क्योंकि ये आपके पास क्या है, क्यूब है, और क्यूब जो है वो आपके स्क्वायर की 3D फॉर्म होती है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर की ही 3D फॉर्म आपके पास क्या होती है, क्यूब होती है। तो फेसेस कितने आपके पास इसके, 6। तो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 6 टाइम्स ऑफ लेंथ इनटू लेंथ, 2 टाइम्स है। वैसे क्या होता है आपके पास, अगर आप स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर का एरिया आपके पास क्या होता है, एल स्क्वायर। और अब आपके पास फेसेस कितने हैं, 6 फेसेस हैं क्योंकि ये क्यूबॉइड है, तो 6 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ दैट स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपके पास, 6 टाइम्स ऑफ एल स्क्वायर। ये हो गया आपके पास क्यूब की डिस्कशन, ये हो गया वॉल्यूम का फॉर्मूला, और ये हो गया इसके टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। इसके आपके पास सरफेसेस कितनी होती हैं, 6, इसकी वजह से 6 लगाए हैं, और आपके पास जो उसका एक आपके पास फेस है उसका आपके पास फॉर्मूला एरिया का क्या होता है, एल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 × L²। तो ये हो गई इसकी डिस्कशन। अब क्यूबॉइड की तरफ आ जाते हैं, ठीक है, और क्यूबॉइड को देख लेते हैं कि क्यूबॉइड कैसा होता है और क्यूबॉइड की डिस्कशन क्या होती है उसके वॉल्यूम के साथ और उसके सरफेस एरिया के साथ। ठीक, अच्छा यहाँ पे कर लेते हैं, छोटा सा ड्रॉ कर लेते हैं हम। अच्छा नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एज वी वर सेइंग कि आपके पास जो क्यूब था वो स्क्वायर का 3D आपका आपकी फॉर्मेशन थी। ठीक है, अब आपके पास क्यूबॉइड जो है वो बेसिकली रेक्टेंगल की आपके पास 3D आपके पास फिगर है। इसको थोड़ा सा ड्रॉ करके चेक करते हैं कैसा होता है ये। ये देखें, इसको ऐसे ड्रॉ करके रफली ड्रॉ कर रहे हैं हम, इसकी थोड़ा विजिबल होगा कि इसकी डायमेंशंस जो है उनकी लेंथ डिफरेंट, जैसे आपके पास मैच बॉक्स होती है, आपकी बुक्स होती हैं, ठीक है, आपने देखा उनकी डायमेंशंस क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, तो ऐसे ही इसकी डायमेंशंस भी हम ले लेते हैं थोड़ी सी डिफरेंट। ये देखें, इसको ज्वाइन करना ऐसे, ये ऐसे हो जाएगा, इसको ऐसे मिला लो और ये ऐसे, ये देख, ये आपके पास क्यूबॉइड हो गया। वाई दिस इज क्यूबॉइड, इसको क्यूबॉइड हम क्यों कह रहे हैं, बिकॉज ऑल द डायमेंशन आर हैविंग डिफरेंट लेंथ। ये अगर आपके पास इसको आप लेंथ कह रहे हैं, ये वाली साइड को अगर आप कह रहे हैं कि ये क्या है,
लेंथ है, ठीक है। तो आप इसको क्या कह लें, हाइट कह लें, ठीक है। और इस वाले को क्या कह लें आप, इसको कह लें, यहाँ पे भी आप क्या करें, कोई एक पॉइंट ले लें। नाउ यू कैन सी थ्री डायमेंशंस या, ठीक है। अब इसके वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो इसका वॉल्यूम था हमारे पास, बिकॉज डायमेंशंस आर डिफरेंट, सबकी लेंथ क्या आपके पास अलग है, तो ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इंटू हाइट। अच्छा, इसमें आप इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी को भी लेंथ ले लें, किसी को भी ब्रेथ ले लें और किसी को भी हाइट ले लें, ठीक है। फिर आपके पास है आपके पास सरफेस एरिया, ठीक है। अब सरफेस एरिया थोड़ा सा इसका क्या है, लेंदी है, मतलब लेंदी क्या कहें इसको, थोड़ा सा थोड़ी सी डिस्कशन है क्योंकि डायमेंशंस इसकी डिफरेंट है। अच्छा, हाउ मैनी फेसेस इट हैज़, पहले तो ये देखना पड़ेगा। इन द क्यूब वी हैव सिक्स फेसेस, अगेन इन द क्यूब वाइड हाउ मैनी फेसेस वी आर हैविंग सिक्स फेसेस अगेन। बट हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ जो डिस्कस करने वाली है वो ये है, ये आपके पास फ्रंट वाला अगर वन है तो बैक वाला अगर आप इसको टू कह लो, तो वन और टू जो है ना, आप इन दोनों का एरिया क्या होगा, बिल्कुल सिमिलर होगा, फ्रंट और बैक का एरिया बिल्कुल सिमिलर होगा, ठीक है। और अगर आप इसको थ्री कह लें इस वाली साइड को और इस वाली साइड को फोर कह लें, तो जो एरिया थ्री का होगा वही एरिया आपके पास फोर वाली साइड का भी होगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप अपसाइड और ये आपके पास जो बेस वाली है, ठीक है, ये फ्रंट वाली को वन कहा है हमने और बैक साइड वाली को टू कहा है, राइट साइड वाली को हमने थ्री कह दिया और जो आपके पास लेफ्ट साइड वाली इसको फोर किया। अब हमारे पास रिमेनिंग कौन से हुए, एक हमारे पास ये बेस वाला हुआ और एक ये जो अपसाइड है, तो इन दोनों का भी क्या हुआ आपके पास, एरिया सिमिलर हुआ। हमने सरफेस एरिया की क्या बात की थी, जो जितने भी आपके पास फेसेस होते हैं 3D फिगर के, अगर आप उन सरफेसेस को ऐड कर दें तो वो क्या होता है आपके पास, टोटल सरफेस एरिया। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके पास फ्रंट और बैक वाले सिमिलर हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड वाले सिमिलर हैं, और जो आपके पास बेस और टॉप है वो क्या आपके पास सिमिलर, यानी दो दो ऐसे हैं जो सिमिलर हैं। तो इसका फॉर्मूला होगा सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ व्हाट, लेंथ इनटू हाइट प्लस लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट, ये होगा इसका फॉर्मूला, टू टाइम्स ऑफ लेंथ इनटू हाइट, लेंथ इनटू ब्रेथ एंड ब्रेथ इनटू हाइट आपके पास हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला है आपके पास, वाई, बिकॉज दीज टू साइड्स आर इक्वल इन एरिया, दीज टू साइड्स आर इक्वल इन एरिया, फ्रंट और बैक वाली आपके पास सिमिलर है, फेसेस आपके पास सिक्स हैं। अगर आप इसको देखें टू टाइम्स ऑफ दिस, टू टाइम्स ऑफ दिस एंड टू टाइम्स ऑफ दिस, तो टोटल बनना कितना है इसमें, सिक्स ही बनना है, ठीक है। तो फेसेस आपके पास सिक्स ही हैं और ये इसकी डायमेंशन की वजह से हमने क्या किया, इसको ड्रॉ कर लेते हैं, छोटा सा ड्रॉ करके बस चेक कर लेते हैं। वैसे इसको ड्रॉ करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा है ना, ये ऐसे देखें, ये अगर लेंथ है तो ये ब्रेथ है, तो ये लेंथ इनटू ब्रेथ इसको बोला, और ये कितने टाइम्स है, टू टाइम्स है। ब्रेथ इनटू हाइट ले लीजिए, ब्रेथ इनटू हाइट है आपके पास, ठीक है। ये ब्रेथ अगर ब्रेथ इनटू हाइट ऐसे है, ये ब्रेथ हो गई और ये हाइट हो गई, और ये भी कितने, टू टाइम्स है आपके पास, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक डायमेंशन और रह गई, इसको भी ड्रॉ, ये वाली ब्रेथ इनटू हाइट हो गई आपके पास, लेंथ इनटू हाइट रह गई। अब इसको ड्रॉ करके चेक कर लेते हैं, और ये सब हैं कितना, टू टू टाइम्स हैं आपके पास, ठीक है। क्या रह गया था, ये लेंथ है और ये क्या आपके पास हाइट, ये भी कितनी है, टू टाइम्स है, ये भी टू टाइम्स है, और ये भी आपके पास कितनी है, टू टाइम्स, ठीक है। तो ये सरफेस एरियाज ऐसे, टू टाइम दिस, टू टाइम दिस एंड टू टाइम्स दिस, ये हो गया आपके पास क्यूब वाइड का वॉल्यूम, बड़ा सिंपल सा है। और थोड़ा सा सरफेस एरिया को डिफाइन कर दिया कि सरफेसेस आपके पास सिक्स हैं और जो ब्रेथ इनटू लेंथ है वो भी टू टाइम्स है, ठीक है। फिर आपके पास हाइट इनटू ब्रेथ भी टू टाइम्स है,
और फिर हाइट इंटू लेंथ भी आपके पास क्या है, 2 टाइम्स है। तो ये छोटी सी डिस्कशन है आपके पास किसकी, क्यूब एंड क्यूबाइड की, इसको देख लीजिएगा। और फिर इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज 14A में, जो कि अब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसकी डिस्कशन देख लीजिएगा, अगर आपको समझ में आ गई हो तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, और अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। इसको अच्छे से देख लीजिएगा ये डिस्कशन, अब जो फर्दर क्वेश्चंस हम करने वाले हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलें, अल्लाह हाफ़िज़।